ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो इट सेज अ 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अ फोकल लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। फाइन। सो व्हाट इज गिवन, हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। सो कुछ इस तरह से आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर होगा। इस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। एंड ये इस मिरर का पोल है, एंड इस तरह से इस मिरर की ये प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। नाउ मिरर से 7.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमारे पास एक 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। सो ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर गिवन है। नाउ इस ऑब्जेक्ट की हमें इमेज लोकेट करनी है। सो आप देखो, जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा, ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रेज आएंगी वो इस तरह से आएंगी। सो पोल पे आपको ओरिजिन लेना है, एंड इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, एंड उसके अपोजिट वाला डायरेक्शन नेगेटिव लेना है, राइट। नाउ आप देखो कि जो यू होगा, बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस है मिरर से वो कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। और बिकॉज ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, सो दैट्स वाई एक नेगेटिव साइन आपको लेना पड़ेगा, माइनस ऑफ 7.5। जो एफ का वैल्यू होगा दैट विल बी प्लस का 6। प्लस का 6 क्यों होगा, बिकॉज आप देखो ये कैसा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसका जो फोकल लेंथ होगा वो पीछे की तरफ बेसिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और 6 उसका मैग्नीट्यूड है, सो प्लस का 6, राइट। नाउ मिरर फॉर्मूले का यूज हम करेंगे वी फाइंड आउट करने के लिए। वी क्या है, इमेज का लोकेशन। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। सो यहां से जब हम वी के लिए सॉल्व करते हैं तो वी निकल के आता है यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। सो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले का यूज करो, यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। देखो यू की जो वैल्यू है, u की जो वैल्यू आपको गिवन है वो है -7.5 × f की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय u माइनस f, राइट। सो इसको सॉल्व करो, माइनस ऑफ 7.5 × 6 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा -13.5। सो देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा, सो 3 × 2, और ये हो जाएगा 3 4.5, राइट। और माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। अभी देखो कि हम ये 45 इस तरह से लिख सकते हैं इसको, 75 × 2 / 45, है ना। ये जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये कैंसिल हो जाएंगे। सो ये कितना आएगा, 15 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। सो बेसिकली 10/3, ये क्या है, v का वैल्यू है। अब देखो v का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो आ रहा है प्लस का 10/3, राइट। आप देखो यहाँ से हम एक चीज कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपका जो वी है वो पॉजिटिव है, इट मींस जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज क्यों है, अगर आपका वी का वैल्यू पॉजिटिव है मिरर के केस में, इट मींस जो इमेज है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और यू कैन से मिरर के पीछे बनेगी, राइट। सो दैट्स वाई अगर वी का वैल्यू पॉजिटिव होगा देन इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। नाउ अगर हमें वी का वैल्यू पता है देन वी कैन फाइंड आउट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है मिरर के लिए -v/u, सो इट विल बी -v का वैल्यू 10/3 और u का वैल्यू कितना था, माइनस का 7.5। सो माइनस से माइनस कैंसिल, सो इट विल बी 10/3 × 7.5। सो आप देखो इसको हम 100 / 3 × 75 लिख सकते हैं। अब 25 से ये 3 times हो गया और ये 4 times हो गया, सो बेसिकली 4/9। अभी देखो जो मैग्निफिकेशन है, जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकल के आ रहा है 4/9, राइट। इस मैग्निफिकेशन से हम दो चीजें कमेंट कर सकते हैं। एक तो जो मैग्निफिकेशन का मॉड है वो लेस देन वन है, लेस देन वन। देखो 4/9 इज लेस देन वन, इट मींस जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड मींस छोटी इमेज, है ना। हाइट ऑफ इमेज विल बी लेसर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा आप देखो कि जो एम है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मींस इरेक्ट इमेज है, है ना। अगर आपका जो m है वो पॉजिटिव है इट मींस इरेक्ट इमेज है, m नेगेटिव है इट मींस इनवर्टेड इमेज है, राइट। सो m के मैग्नीट्यूड से हम चेक करते हैं कि इमेज छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, और m के साइन से हम चेक करते हैं कि इमेज इरेक्ट बनेगी या इनवर्टेड बनेगी, राइट। अभी हाइट ऑफ इमेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज बेसिकली 4/9। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर। सो यहाँ से आप देखो जो हाइट ऑफ इमेज निकल के आएगी दैट इज बेसिकली 3 × 4/9, और यू कैन से 4/3 सेंटीमीटर और 1.33 सेंटीमीटर। रे डायग्राम भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो रे डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करता हूँ देन किस तरह से होगा, आप देखो
एक रे ऐसे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये इस तरह से डाइवर्ट हो जाएगी, और ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, इसके फोकस से आ रही है। एक रे ऐसे आएगी पोल पे और इस तरह से डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो जब आप इसे पीछे एक्सटेंड करोगे, सो इस तरह से एक वर्चुअल इमेज बनेगी। ये जो इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, इसका जो डिस्टेंस है पोल से वो 10/3 सेंटीमीटर है। इस इमेज की जो हाइट है वो 1.33 सेंटीमीटर है। ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज है। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय। Yeah.